हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने रीड किया था कि कैसे दो सिस्टर्स चाय पर बैठी बातें कर रही थी। बड़ी सिस्टर जो थी अपनी शहरी लाइफ के बारे में बता रही थी कि उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, बट छोटी सिस्टर जो है वो कहती है कि मैं गांव की लाइफ में बहुत खुश हूँ। जो यंगर सिस्टर का हस्बैंड है वो सोचता है कि अगर उसके पास बहुत सी लैंड होती तो वो डेविल से भी ना डरता। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन। क्लोज टू द विलेज देयर लिव्ड अ लेडी, अ स्मॉल लैंड ओनर, हु हैड एन एस्टेट ऑफ अबाउट 300 acres। विलेज के नज़दीक ही एक लेडी रहती थी जो कि छोटे सी लैंड की ओनर थी, मीन्स की थोड़ी सी धरती की मालिक थी, जिसके पास 300 acres की जायदाद थी। इन द विंटर द न्यूज़ कॉट अबाउट द लेडी अबाउट दैट द लेडी वॉज गोइंग टू सेल हर लैंड। सर्दी के मौसम में ये न्यूज़ फैल गई, गॉट अबाउट मीन्स फैल गई, कि लेडी जो है अपनी धरती अपनी लैंड बेच रही थी। पेखोम हेयर दैट अ नेबर ऑफ हिज वॉज बाइंग 50 acres। पेखोम ने ये सुना कि उसका एक पड़ोसी 50 acres लैंड खरीद रहा था, एंड दैट द लेडी हैड कंसेंटेड टू एक्सेप्ट 1/2 इन कैश एंड टू वेट अ ईयर फॉर द अदर हाफ। और जो वो लेडी थी, लैंड ऑनर थी, वो इस चीज़ के लिए मान गई थी कि आधा पैसा वो कैश में ले लेगी और आधे के लिए वो एक साल वेट करेगी। पेखम फेल्ट एनवियस, पेखम ने जलस महसूस की। लुक एट दैट थॉट ही, द लैंड इज ऑल बीइंग सोल्ड। उसने सोचा देखो सारी लैंड बिक जाएगी, एंड आई शैल गेट नन ऑफ इट, और मुझे इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। सो ही स्पोक टू हिज वाइफ, तो उसने अपनी वाइफ से बात की। अदर पीपल आर बाइंग, सेड ही, दूसरे लोग लैंड खरीद रहे हैं, उसने कहा, एंड वी मस्ट ऑल्सो बाई 20 acres और सो, और हमें भी 20 acres या फिर इसके आसपास, मींस के कम या ज़्यादा लैंड खरीदनी चाहिए। लाइफ इज़ बिकमिंग इम्पॉसिबल, ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल होती जा रही है। सो दे पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड कंसिडर्ड हाउ दे कुड मैनेज टू बाय इट। इसलिए उन्होंने एक साथ एक राय की और ये विचार किया कि कैसे वो इस लैंड को खरीदने के लिए मैनेज कर सकते हैं, पैसा कैसे मैनेज कर सकते थे। दे हैड 100 rubles लेड बाय, उनके पास 100 rubles थे। रूबल्स क्या है? रशियन करेंसी। रूबल्स क्या है? रशियन करेंसी है। दे सोल्ड अ कोल्ट एंड 1/2 ऑफ देयर बीज, उन्होंने एक कोल्ट मीन्स घोड़ी को बेच दिया और अपने आधी मधुमक्खियों को भी बेच दिया। हायर्ड आउट वन ऑफ देयर सन्स एज अ लेबरर, उन्होंने अपने एक बेटे को एक मजदूर की तरह नौकरी पर लगा दिया। एंड टुक हिज वेजेस इन एडवांस, और उसकी जो वेजेस थी, मजदूरी थी, वो एडवांस में ले ली। बोरोड द रेस्ट फ्रॉम अ ब्रदर इन लॉ, बाकी के पैसे उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ मीन्स की जो यंगर सिस्टर का भाई था, पेखोम का ब्रदर इन लॉ था, उनसे ले लिए। एंड सो स्क्रैप टुगेदर हाफ द परचेज मनी, और उन्होंने जो परचेजिंग के लिए पैसा चाहिए था उससे आधा पैसा उन्होंने स्क्रैप टुगेदर इकट्ठा कर लिया। हैविंग डन दिस, ये करने के बाद पेखोम चोज आउट अ फार्म ऑफ 40 acres, पेखोम ने 40 acres का एक खेत चूज किया। सम ऑफ इट वुडेड, उसमें से थोड़ा सा जंगल का इलाका था। एंड वेंट टू द लेडी टू बार्गेन फॉर इट, और वो लेडी के पास इसका सौदा करने के लिए गया। दे केम टू एन एग्रीमेंट, उन्होंने वो एक एग्रीमेंट पर पहुँचे। एंड ही शुक हैंड्स विद हर अपॉन इट, और उन्होंने इस एग्रीमेंट पर, पेखम ने उस लेडी के साथ हाथ मिलाया। एंड पेड हर अ डिपॉजिट इन एडवांस, और उसका जो पैसे जमा करवा, एडवांस में ही उसको पैसे जमा करवा दिए। देन दे वेंट टू टाउन एंड साइन द डीड्स, फिर वो टाउन चले गए और उन्होंने डीड को, मीन्स के जो भी कागज़ थे, उसको साइन किया। ही पेइंग हाफ द प्राइस टाउन, उसने आधा आधी कीमत तभी दे दी। एंड अंडरटेकिंग टू पे द रिमाइंडर विद इन 2 years, और उसने अंडरटेकिंग मीन्स ये बात कही या वचन दिया कि वो बाकी के बचे हुए पैसों को 2 साल में दे देगा। सो नाउ पेखोम हैड लैंड ऑफ हिज ऑन, क्योंकि अब पेखोम के पास अपनी लैंड थी। ही बोरोड सीड्स एंड सोड इन इट ऑन द लैंड ही हैड बॉट, उसने बीज खरीदे और जो लैंड उसने खरीदी थी उस पर उसको बो दिया।
द हार्वेस्ट वॉज अ गुड वन, फसल बहुत अच्छी रही एंड विद इन अ ईयर ही हैड मैनेज्ड टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स बोथ टू द लेडी एंड टू हिज ब्रदर इन लॉ, और एक ही साल के अंदर उसने अपने ब्रदर इन लॉ और लेडी दोनों को ही जो उधार पैसे लिए हुए थे वो चुका दिए. सो ही बिकेम अ लैंड ऑनर, इस तरह से वो लैंड ऑनर बन गया. प्लोइंग एंड सोइंग हिज ऑन लैंड, वो अपनी खुद की लैंड पर हल चलाता और बीज बोता. मेकिंग हे ऑन हिज ऑन लैंड, अपनी ही लैंड पर वो घास भी उगाता. हे मीन्स घास, जो उसे जानवरों के लिए चारे के तौर पर चाहिए था. कटिंग हिज ऑन ट्रीज, अपने पेड़ काटता. एंड फीडिंग हिज कैटल ऑन हिज ऑन पास्चर, अपने ही उसने लैंड पर एक पास्चर भी बना दिया. पास्चर क्या होता है? चारगाह, जानवरों के चरने की जगह, और वहाँ पर अपने कैटल के लिए फीड भी वो तैयार करता. तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि किस तरह से पैखोम ने एक पीस ऑफ लैंड, कितने एकड़ का उसने परचेज किया, 40 एकड़ का एक पीस ऑफ लैंड परचेज करके कैसे वो रिच होना स्टार्ट हो गया.